हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले बेस्ट गेमिंग लैपटॉप जो कि 1 लाख के अंदर आते हैं। जानते हैं इनके कुछ खास फीचर्स और प्राइस रेंज के बारे में। मैं आपको इन सारे लैपटॉप्स का अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जिससे आप जाकर खरीद सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला लैपटॉप है आसूस TUF गेमिंग FX55DV। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 15 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें हमें 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। इसमें हमें विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है और साथ ही साथ 64-bit का सिस्टम आर्किटेक्चर भी मिल जाता है। इसके USB पोर्ट्स की बात करें तो इसमें हमें 4 USB पोर्ट और साथ ही साथ एक HDMI पोर्ट मिलता है। इसमें हमें एक वेब कैमरा इनबिल्ट देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी 720p HD है। इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें हमें एनवीडिया GeForce GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड मिलता है जिसकी मदद से लैपटॉप का गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें कोर i5 मिलता है और अगर इसके प्रोसेसर जनरेशन की बात करें तो इसमें हमें 9 जनरेशन मिलता है। इसमें हमें 4GB का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। इसके अगर स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें 8GB रैम और 512GB का SSD मिलता है। इसके चार्जिंग की बात करें तो इसमें हमें 150W का AC अडाप्टर मिलता है जिसकी मदद से लैपटॉप फुल चार्ज और फास्ट चार्ज होता है। इसके प्राइस की बात करें तो इसके प्राइस शुरू होते हैं 63,191 रुपीज से। अगला लैपटॉप है आसूस ROG। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 15 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें हमें 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। इसमें हमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है और साथ ही साथ 64-bit का सिस्टम आर्किटेक्चर भी मिल जाता है। इसके USB पोर्ट्स की बात करें तो इसमें हमें 3 USB पोर्ट और साथ ही साथ एक HDMI पोर्ट मिल जाता है। इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें हमें एनवीडिया का GeForce GTX 1650 मिल जाता है जिसकी मदद से लैपटॉप का गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें कोर i5 मिलता है जो कि 9 जनरेशन का है। इसमें हमें 4GB का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। इसके रैम की बात करें तो इसमें हमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलता है। साथ ही साथ 1TB का हार्ड डिस्क भी मिल जाता है। इसके चार्जिंग की बात करें तो इसमें हमें 150W का AC अडाप्टर मिल जाता है जिससे लैपटॉप फास्ट चार्ज होता है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस शुरू होती है 74,990 रुपीज से। अगला लैपटॉप है HP Pavilion। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 15 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। इसमें हमें विंडोज 10 की ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है, साथ ही साथ 64-bit का सिस्टम आर्किटेक्चर भी मिलता है। इसके USB पोर्ट की बात करें तो इसमें हमें एक USB पोर्ट और एक HDMI पोर्ट मिलता है। इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें हमें एनवीडिया GeForce GTX 1650 मिलता है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें रीजन 5 क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है। इसमें हमें 4GB का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। इसके रैम की बात करें तो इसमें हमें 8GB रैम और 512GB का स्टोरेज मिलता है। इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस शुरू होती है 59,990 रुपीज से। अगला लैपटॉप है लिनोवो लीजन Y540। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 15 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। इसमें हमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है और साथ ही साथ 64-bit का सिस्टम आर्किटेक्चर भी मिल जाता है। इसके USB पोर्ट्स की बात करें तो इसमें हमें एक USB पोर्ट मिलता है और साथ ही साथ एक HDMI पोर्ट भी मिल जाता है। इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें हमें एनवीडिया GeForce GTX 1650 मिलता है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें कोर i7 मिलता है जो कि 9 जनरेशन का है। इसमें हमें 4GB का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है और इसके रैम की बात करें तो इसमें हमें 8GB रैम और 512GB का स्टोरेज कैपेसिटी भी मिल जाती है। इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस शुरू होती है 94,999 रुपीज से। अगला लैपटॉप है HP Omen। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 15 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। इसमें हमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है और साथ ही साथ 64-bit का सिस्टम आर्किटेक्चर भी मिल जाता है। इसके USB पोर्ट की बात करें तो इसमें हमें मल्टी USB पोर्ट देखने को मिलता है और एक HDMI पोर्ट भी मिल जाता है। इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें हमें एनवीडिया GeForce GTX 1650 मिलता है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें रीजन 5 हेक्साकोर मिलता है। इसके रैम की बात करें तो इसमें हमें 8GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलता है, साथ ही साथ 4GB का ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस शुरू होती है 75,990 रुपीज से। अगला लैपटॉप है एसर नाइट्रो 7। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 15 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें हमें 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। इसमें हमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है। इसमें हमें 4 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ एक HDMI पोर्ट भी मिल जाता है।
जाता है। इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें हमें एनवीडिया G4 GTX 1660 मिलता है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें i7 प्रोसेसर मिलता है जो कि 9th जनरेशन का है। इसके रैम की बात करें तो हमें 8GB रैम और 1TB स्टोरेज देखने को मिलता है, साथ ही साथ 6GB का ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस शुरू होती है 94,990 रुपीज से। अगला लैपटॉप है MSI अल्फा 15। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 15 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है और इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें हमें 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। इसमें हमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है। इसमें हमें 3 USB पोर्ट मिलते हैं और एक HDMI पोर्ट मिलता है। इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें हमें AMD Radeon RX 5500 मिलता है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें Ryzen 7 क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है। इसके रैम की बात करें तो इसमें हमें 16GB रैम और 256GB SSD प्लस 1TB हार्ड डिस्क मिलती है। इसमें हमें 4GB का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। इसकी प्राइस की बात करें तो इस लैपटॉप की प्राइस शुरू होती है 69,990 रुपीज से। अगला लैपटॉप है डेल G3। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 15 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है और इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। इसमें हमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है और साथ ही साथ 64-bit का सिस्टम आर्किटेक्चर मिलता है। इसमें हमें 2 USB पोर्ट और एक HDMI पोर्ट मिलता है। इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें हमें NVIDIA G4 GTX 1650 मिलता है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें कोर i5 मिलता है जो कि 10th जनरेशन का है। इसके रैम की बात करें तो इसमें हमें 8GB रैम मिलती है और 256GB का SSD, साथ ही साथ 1TB की हार्ड डिस्क मिलती है। इसमें हमें 4GB का ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो इस लैपटॉप की प्राइस होती है 73,990 रुपीज से। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आओ। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट करना ना भूले। अगर आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाते रहता हूं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।